राधा कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया, ब्रह्मा जी ने कन्यादान भी लिया राधा जी। ये शादी बचपन में ही हो गई थी। ब्रह्मा जी ने यहाँ जयमाला करा रहे हैं, एक दूसरे को कृष्ण भगवान राधा रानी को, राधा रानी कृष्ण भगवान को यहाँ जयमाला करा रहे हैं। मोर के पंख से वो राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे थे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, ये हवन कुंड है, यहाँ पे फेरे एक बार ये हवन कुंड जरा देखिए आप, ये हवन कुंड भी दर्शक है। ये स्वास्थ्य जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते, अगर वो खंडित हो जाते वो यहाँ स्नान करती है या गोबर के स्वास्थ्य बना के जाती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। अभी हम मथुरा के भांडीर वन में हैं और ये वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली भांडीर वन। तो आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, यहां से आप देख सकते हैं एरो लगा हुआ है कि इस तरफ से है जाने का रास्ता। तो इस रास्ते से हम चलते हैं और यहाँ का जो पूरा परिसर है वो हम आपको घुमाएंगे और इसके साथ ही साथ वो जगह दिखाएंगे कि कहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को सिंदूर भरा था और किस जगह पर वो मंडप है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनकी शादी संपन्न करवाई थी। इसके साथ ही साथ और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, जो विवाह की रस्म होती है, वो सारी रस्में किस जगह पर पूरी हुई थी और ये कैसे कैसे संयोग बना, इसकी जो पूरी कहानी है वो हम आज आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दीवार पर चारों तरफ यहाँ पर चित्रण किया गया है और उसके बगल में लिखा गया है कि कैसे कैसे कौन सी लीलाएँ भगवान ने रचाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि पंडित जी हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर जाहिर सी बात है ये बता पाएंगे। तो इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं और इनसे हम आग्रह करेंगे कि ये हमें लेकर के चले और यहाँ की जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, जो भगवान ने दिखाई थी, वो सब हम आप तक पहुँचाएँ। तो पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम चाहते हैं ये माइक है और ये आप लगा लीजिए, इजाज़त दें तो हम लगा दें, ठीक है। तो अब आप बताइए और यहाँ के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो दर्शन करवाइए हमें और साथ में हमारे सभी दर्शकों को। देखिए यहाँ पर आइए, ये भांडीर बने जहाँ राधा और कृष्ण की शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने कराई, वो स्थल है ये बटवृक्ष है। उसी समय का है जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, उसी समय का बटवृक्ष है, 5,500 साल पुराना। 5,500 साल इस बटवृक्ष का भागवत जी में वर्णन है। ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैला होते ये बटवृक्ष। यही भाई यमुना जी, यानी कि ये वृक्ष 5,500 साल से वैसे ही वैसे बना हुआ है। हाँ जी, बस ये है कि इसकी जो शाखाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे शादी में मंडप बनाते हैं ना, ये चार खम्भे गाड़ के ये मंडप बना हुआ है। हाँ। ये 1, 2, 3, 4 एक बार दिखाना जरा। और यानी कि बीच में यहाँ पे मंडप मंडप था। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं फेर लेते समय जी, ये गठबंधन का भाव है। अच्छा, ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये कृष्ण स्वरूप है काला पेड़ है, राधा रानी स्वरूप है ये गोरा पेड़ है। ये बटवृक्ष साखी करता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। तो इसके अलावा यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं। हाँ जी। और आप एक कहानी बता रहे थे जब मैं आया था, आप यहाँ पर कुछ भक्त बैठे थे, वो दाऊ की कुछ खेलने वाली कहानी। हाँ। जो थी तो यहाँ सबसे पहले तो ये है, यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई तो नंद बाबा यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। तो कृष्ण भगवान एक दिन जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आए तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती है। तो नंद बाबा डर जाते तो उसी बटवृक्ष की आड़ लेके यहाँ गुफा में छुप जाते और बोलते बचाओ प्रभु, ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाए हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लगी। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम को साफ करते हुए यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी बोलते हैं बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आयो, क्या मैं तो बन सकती हूँ, घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बच्चा बच्चा कर रहे थे, तब आई हूँ यहाँ पर। तो बाबा लाला को राधा रानी ने जैसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो तुरंत नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तभी बता दिया था ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व वन परमेश्वर बालक है, इनकी शादी आशक्ति श्री राधा रानी से भांडी वन में होनी है। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को, बोले सुधा मैया को आप दे आना। तो जैसे ही नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को राधा रानी की गोदी में दिया है तो कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप किशोर अवस्था का कर लिया। अच्छा पंडित जी, उस समय भगवान कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? 2.5 साल थे कृष्ण भगवान के और 7.5 साल की राधा रानी थे। जैसे नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को दिया है गोदी में तो राधा रानी की गोदी में आते कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप किशोर अवस्था का कर लिया और राधा रानी उसी स्वरूप में आ गई। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का आह्वान किया, पुष्कर 68,000 बार तपस्या की थी पुष्कर में ब्रह्मा जी ने, जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए।
तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया, यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को इस वटवृक्ष को साक्षी मान के प्रिय प्रीतम का विवाह कराया। हाँ। ये शादी का वर्ण जो है गर्ग संहिता में ब्रह्म वैवर्त पुराण में गीत गोविंद में हरवंश पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा, और ये यहाँ पे दर्शन है, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, यहाँ जयमाला करा रहे हैं, शादी कराई तो ब्रह्मा जी ने यहाँ जयमाला करा रहे हैं, एक दूसरे को कृष्ण भगवान राधा रानी को, राधा रानी कृष्ण भगवान को यहाँ जयमाला करा रहे हैं। और उधर एक पीछे दर्शन है जो ब्रज में कहीं नहीं है, कहीं भी आपने दर्शन किए होंगे तो कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी होगी जी, यहाँ जी, पे जी। किसी के राधा और कृष्ण के हाथों में माला है, उधर आप दर्शन करोगे कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। आइए, जो हिंदू परंपरा में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सिंदूर भरना मांग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आप पूरे मथुरा में, पूरे ब्रज में कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन हर जगह आपको हाथ में बांसुरी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कृष्ण भगवान के हाथों में बांसुरी नहीं है, मोर पंख से मांग, मोर के पंख से वो राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तो पंडित जी यहाँ के बारे में भी आगे चीजें आप बताइए। ये किशोर अवस्था में जब 2.5 साल के थे कृष्ण भगवान, राधा रानी बाल स्वरूप में, तो उसी स्वरूप में कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे। इधर यहाँ पे फेरे कराए, यहाँ ब्रह्मा जी ने यहाँ शादी कराई है, तो ये तीनों विग्रह उसी मुद्रा में, उधर जयमाला कराते हुए, उधर अच्छा यहाँ पर ये कौन सी मुद्रा, यहाँ फेरे कराते, फेरे कराते, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, ये हवन कुंड है, यहाँ पे फेरे एक बार, ये हवन कुंड जरा देखिए आप, ये हवन कुंड जितने भी दर्शक हैं, यहीं पर ब्रह्मा जी ने, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था, यही वो स्थल है जी। और आगे चलते हैं, यहाँ पे बलराम जी दर्शन, जो कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी जी, बलराम जी ने यहाँ पलम्बासुर का वध किया है, जो कंस का भेजे हुआ देता आया था, एक खेल हो रहा था, एक लंग कृष्ण की पारी, एक लंग दाऊजी की पारी, दाऊजी की पारी, शर्त ये थी जो हार जाएगा अपनी पीठ पे बैठाल के वंशीवर तक लेके जाएगा, क्योंकि प्रहलाद का वंशज का था, कृष्ण भगवान उसे मार नहीं सकते थे, तो इसलिए कृष्ण भगवान उसमें हार जाते हैं, वो श्री दामा को, कोई मधुमंगल को, दाऊजी को पलम्बासुर ले जाने लगता है, तो वंशीवर तो उनके साथ ही चला है, फिर वंशीवर के बाद उसने आकाश मार के उड़ने लगा, तो बलराम जी बोले मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हमारी तो जगह आ गई, मुझे उतारो, तो उसने अपना स्वरूप धारण कर लिया पलम्बासुर में, तो बलराम जी ने अपना भजन बढ़ाया, तभी वो काश मार के उड़ने लगा, तो कृष्ण भगवान बोले बड़े देख कर उसका वध करो, तो बलराम जी ने से मुष्टि का प्रहार करके वध किया है। आप दर्शन करोगे शेषनाग विराजमान है और ऐसे हाथ है, चलिए पंडित जी चलते हैं, आइए दिखाते हैं बलराम जी के दर्शन। तो मित्रों आप देखिए, और जब भी आप मथुरा आइए तो यहाँ जरूर आइए, वृंदावन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पांडीरवट नाम की जगह है, और यहाँ पर आप आइए, और यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, तो कोई भी आपको रास्ता बता देगा यहाँ के बारे में। पंडित जी ये बलराम जी हैं, शेषनाग पर विराजमान है, और जो पलम्बासुर का वध किया ऐसे हाथ है, और शेषनाग पर विराजमान बलराम जी, इधर बाजू में रेवती जी हैं, इधर राधा और कृष्ण है। चलिए पंडित जी आइए, अब एक भेड़ी कूप है जहाँ कृष्ण भगवान ने इसे अपनी बांसुरी से प्रकट किया है, जब बच्छासुर का वध किया था, एक बछड़े का रूप धारण करके आया था बच्छासुर, उसका वध किया है जी जी, तो ग्वालवाल बोले आपने गऊ हत्या का वध किया है। हाँ। तो आप सभी तीर्थ स्नान करके आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया है और सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया है, सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया। पंडित जी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, मैं समझा नहीं कि सभी तीर्थ क्या, जितनी भी नदियाँ हैं उनको यहाँ पर सभी बुलाया, सभी तीर्थों को। ये जो कूप है, यही कूप है, ये कुआ कृष्ण भगवान ने, वेणु कूप, ये कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया है। हाँ। जब बच्छासुर का वध किया था, एक बछड़े का रूप धारण करके ग्वालवाल बछड़ों में सम्मिलित हो जाता है, तो ग्वालवाल बछड़ों को सभी को मारने लगता है, तो ग्वालवाल गए कृष्ण भगवान से, बोले कोई बछड़ा आ गया सभी को मार रहा है। हाँ। तो कृष्ण भगवान ने आके देखा, ये तो कोई असुर है, भेष बदल के बछड़े का आ गया। हाँ। तो जैसे ही वहाँ कृष्ण भगवान पहुँचे तो कृष्ण भगवान को मारने को भग लेता है, तो कृष्ण भगवान उसका पैर पकड़े झड़ते घुमा के जमीन पर मार दिया, तो ग्वालवाल बोले आपने ये क्या कर दिया, आपने गौ हत्या कर दी, कहीं तो राक्षस, कृष्ण भगवान कह रहे राक्षस, ग्वालवाल कह रहे गौ का बछड़ा, तब क्या करना चाहिए, आप ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है सभी तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया है, सभी तीर्थों का नाम ले लेके यहाँ बुलाया है। आज भी जब सोमवार की जब मावस पड़ती है तो सूर्य का जल एकदम सफ़ेद हो जाता है, और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते अगर वो खंडित हो जाते हैं, वो यहाँ होके मर जाते हैं, वो यहाँ इसमें और इसमें स्नान करते हैं, तो संतान ही प्राप्ति होती है। अच्छा। ये कृष्ण भगवान की शादी का सहरा है, ये कृष्ण भगवान की मुकुट चिन्ह है, ये कृष्ण भगवान की शादी का मुकुट चिन्ह है। अच्छा। जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हो उस हिसाब से इसमें दर्शन प्राप्त होते हैं, किसी को कृष्ण भगवान, किसी को राधा रानी,
किसी को कृष्ण भगवान गाय के साथ, किसी को कृष्ण भगवान बंसी बजाते हुए, ऐसे छवि दिखती है इसमें। यहाँ पर कुछ उभरी हुई छवि है आप देखेंगे यहाँ पर, तो पंडित जी का कहना है कि आपका जैसा भाव होगा आपको बिल्कुल उसी तरीके से दर्शन यहाँ पर प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर राधा रानी दिखाई देती है, कुछ लोगों को भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि ऊपर आसमान में बादलों में कई बार आपने देखा हो कुछ आकृतियाँ दिखती हैं और इंसान अपने मस्तिष्क में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आकृति बना लेता है, बिल्कुल तरीके से यहाँ पर भी है। पंडित जी यहाँ पर ये जो वास्तविक जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते अगर वो खंडित हो जाते वो यहाँ स्नान करती है या गोबर के स्वास्तिक बना के जाते तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, खंडित हो जाते। इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए क्योंकि ये ऐसी परेशानी से हो सकता है कि तमाम माताएं बहनें जूझ रही हो। जब यहाँ जिन जैसे बच्चे यहाँ पर सोमवती मावस वाले दिन विशेष मेला लगता जैसे है, जैसे कई बार होता है कि कुछ टोटका उटका का केस है तो इसमें या कोई शारीरिक बीमारी है, नहीं शारीरिक बीमारी नहीं, यहाँ पे जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या गर्भ खंडित हो जाते हैं जैसे 5-6 साल हो जाते डॉक्टर मना कर देते हैं तो यहाँ पे आके भाव से आए यहाँ पे तो ठाकुर जी इसमें स्नान करें या गोबर के स्वास्थ्य बना के जाएं तो उनके 1-1.5 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस पर आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि ऐसी कितनी यहाँ पर महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हो और आप लोगों से मिली हो? कम से कम यहाँ से हजारों स्नान यहाँ से आने के बाद में मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, बच्चे लेकर आई आई है यहाँ हजारों आ गए यहाँ पर, हाँ हजारों की मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ पर। बस मन में भाव से आए, किसी को 8-8, 7-7 साल हो जाती बच्चे नहीं होते हैं, भाव से स्नान करें यहाँ पे गोबर के स्वास्थ्य बना के जामे तो मनोकामना उनकी 1-1.5 साल के अंदर पूर्ण हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। एक जय श्री राधे। मैं जय श्री राधे, मैं विपनेश भारद्वाज। पंडित जी यहाँ पे प्रलम्बासुर बध लीला है, ये बलराम जी यहाँ पे प्रलम्बासुर बध लीला और कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। ये प्रलम्बासुर बध लीला बलदाव जी के द्वारा हुई थी और कृष्ण भगवान के द्वारा हुआ था बच्छासुर बध लीला। ठीक है, बच्छासुर के बारे में भी बताऊंगा। पहले यहाँ भांडीवन की लीलाएं देखिए, ये दर्शन करिए, यहाँ पे लगाइए, ये राधा कृष्ण का स्वयं ब्रह्मा जी ने लग्न कराया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का स्वयं कराइए, यहाँ से हाथ ले ये राधा कृष्ण का विवाह लगन हो रहा है, विध मंडप के द्वारा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने आहुति मंत्र द्वारा दोनों राधा कृष्ण का विवाह कराया है। ये विवाह तो बचपन में ही हो गया था जब कन्हैया जी मात्र 2.5 साल के थे, नंद बाबा गोद में लेकर के यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। ठीक, राधा कृष्ण का युद्ध भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी, भांडीवन में राधा गोपियाँ और राधा कृष्ण जो युद्ध कर रही हैं, ग्वालवाल गोपियाँ देख रही हैं। मल्लयुद्ध पंडित जी जो आज के समय में पहलवानी होती क्या उसे कहते हैं? हाँ, आज के तौर पर जो पहलवानी होती है वही है। राधा रानी बैठी हुई हैं ग्वाल गोपियों के साथ, मल्ल कीड़ा हो रही है कृष्ण भगवान की जी। कौन सी गोपी पहलवान है देखते हैं। अब बात आती है कौन जीता, जो आज जीता वो जब जीता वो अब जीता, कृष्ण भगवान खुद हार गए गोपियों के। और आगे चलते हैं, ये कृष्ण भगवान है यहाँ पे, ये वृक्ष के नीचे बट वृक्ष है जो अभी आप वहाँ से आए वो प्राचीन है और उस पर से उसकी लता पता इतनी बड़ी थी, यमुना यहाँ बहती थी और यमुना से पार हो जाते थे। अच्छा, आज यमुना 2 किलोमीटर उधर चली गई है, जो हर साल आती है, हर साल कहीं ना कहीं खिसक जाती है। तो यहाँ पे ग्वाल वालों के साथ इन्होंने भोजन भी पान किया है। और यहाँ के बारे में, ये दुर्वासा ऋषि हैं। अच्छा, इन्हें अष्ट सखियाँ भोजन करा रही हैं। बात आती है भोजन की, तो इन्होंने कभी भोजन स्वप्न में भी नहीं खाया दुर्वासा ऋषि ने, लेकिन फिर भी इनको अष्ट सखियाँ भोजन करा रही हैं। ये कैसे संभव हो पाया, ये कैसे संभव हो पाया, यही तो बात आती है लीला की। कृष्ण भगवान या कृष्ण भगवान के गुरु थे दुर्वासा ऋषि, इन्होंने तंत्र मंत्र शिक्षा जो भी सीखी कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि से भांडीवन में सीखी। तब कृष्ण भगवान यहाँ अपने गुरु की सेवा में लग गए थे, तो यहाँ देखा तो भाई गोकुल में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कृष्ण भगवान थे नहीं यहाँ पे, गोपियाँ आराम से उदम देख रही थी कि उदम आजकल हो नहीं रहा। तो कृष्ण भगवान से पूछने लगे, हे कन्हैया तू आजकल रह कहाँ रहा है? तो बोले कि मैं अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो गोपियाँ बोली कि भाई हमें भी अपने गुरु की सेवा करा, हमें भी दर्शन कराओ। तो गोपियाँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आईं तो बोली कि हम क्या ले जाएँ, कि जो तुम्हारा मन हो वो ले जाइए। कृष्ण भगवान बोले, गुरु जी हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लीजिए। तो अष्ट सखियाँ अच्छे अच्छे पकवान अच्छे अच्छे यहाँ पे खाने के लिए लेकर के आई। लेने के बाद यहाँ पे जो खाना लेकर के आई तो बीच में यमुना जी पड़ी। अब गोपिकाएं बोली, हम चले तो जाएं, अब कन्हैया ये तो बता बीच में यमुना जी है, कोई पुल तो है नहीं, जाएं कैसे?
तो कहना उन्होंने कहा गोपिकाओं से गोपियों से कि यमुना मैया से प्रार्थना करना, प्रार्थना करके ये कहना कि मेरे कृष्ण बाल योग योगेश्वर हैं तो यमुना मैया हमको रास्ता दे। तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, गोपिकाएं यहाँ पे आ गई यहाँ पे भोजन लेने के लिए। जब भोजन लेने के लिए आई तो गुरु जी अपनी तपस्या में लगे हुए थे, तो इन्होंने इनको भोजन पान कराया। तो दुर्वासा ऋषि भोजन को पान कर गए, भोजन को पान कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब गोपिकाएं बोली अब गुरु जी हम चलें, तो ठीक है अब जाओ। अब जाएँ कैसे? यमुना तो फिर अपने भंडार पर आ गई कि आप आए कैसे, क्या कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मेरे कृष्ण योग योगेश्वर तो यमुना मैया रास्ता थे। तो बोले कि यमुना मैया से भी यही प्रार्थना करना कि मैं दुर्वासा ऋषि और स्वप्न में भी अन्न खाया हो तो यमुना मैया मुझको रास्ता दे। अब गोपिका कहने लगी कि भैया यू स्वप्न में भी अन्न नहीं गया, हकीकत में तो हमारे हाथों से कट गया। लेकिन उन्होंने अन्नपान तो किया, लेकिन पान जो उनका स्वाद आया वो घास का आया। यहाँ तक तो अन्न था लेकिन अंदर जो गया वो घास का स्वाद था, इन्होंने कभी अन्नपान नहीं किया। तो इसमें एक भागवत में एक ये भी आता है कि दो ठग बीच बसी ठगनी, इतने ठगिया इतने ठगनी। तो गोपिका कहने लगी दादा ये भी ठगिया वो भी ठगिया और बीच में यमुना मैया भी मिल गई ठगनियों में, झूठ बोल रहा है, खाना नहीं खाया कृष्ण भगवान झूठ बोल रहा है, कौन सी गोपी ना छिड़ी माने की योगेश्वर हो गया और बीच में यमुना मैया भी बोल रही है रास्ता दे रही है। हाँ समझ रहे हैं, तो दो ठग बीच बसी ठगनी यानी दो ठगन के बीच में यमुना मैया भी ठगनी हो गई। हाँ ये दावा अग्निपान है, यहाँ की एक और लीला है। यहाँ की क्या है? यहाँ ये जंगल था भांडी वन, जंगल था। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जो कंस राक्षस था, कृष्ण भगवान को ये कंस को ये पता था कि देवकी का आठवां पुत्र मेरा वध करेगा। हाँ। तो आठवां पुत्र उसका हुआ, तो कृष्ण भगवान ने मारने के लिए सारे प्रयत्न किए कंस ने कृष्ण भगवान को। तो यहाँ पे जब कृष्ण भगवान यहाँ गाय वाय ग्वाल वाल गाय भी चरा रहे थे, सारे ग्वाल वाल थे घूम रहे थे, गाय भी हैं तो ये बच्चे भी हैं, सब सखा हैं उनके, यहाँ पे फंस गए थे। तो जब प्रभु से प्रार्थना करी तब कृष्ण भगवान ने यहाँ का अग्नि को पान यानी पी गए। अच्छा, तब इनकी सबकी रक्षा हो पाई। यह एक जी। राधा कृष्ण का विवाह की दर्शन, दर्शन करिए यहाँ पे लगाइए कैमरा। राधा कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। विवाह ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता में साक्षात वर्णन है राधा कृष्ण के विवाह का। राधा कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया, ब्रह्मा जी ने कन्यादान भी लिया है राधा जी। ये शादी बचपन में ही हो गई थी जब नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के यहाँ आए थे। तो यहाँ आए तो घनघोर अंधेरा, आंधी तूफान तेज बारिश घिर गए नंद बाबा कन्हैया और गायों को लेकर के, क्योंकि नंद बाबा पे तो गाय एक नहीं थी, लाखों की संख्या में गाय थी। यहाँ घनघोर अंधेरा हो गया तो गाय इधर उधर होने लगी, कन्हैया को लेकर के वो तो छुप गए। अब प्रार्थना करने लगे अब क्या किया जाए। तभी तेज उजाला होता है, तीव्र प्रकट होता है और राधा रानी साक्षात प्रकट होती है। नंद बाबा जानते थे कि आप राधा रानी हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान को उनको सौंप दिया। उनको सौंपने के बाद बोले कि राधा रानी मैं जानता हूँ आप आई हुई हैं, आप इनको ले जाइए, खेल अपना मनोरथ करिए, खेलिए और घर पे पहुँचा दीजिए। उसी खेल में राधा ने कृष्ण का, कृष्ण ने राधा का श्रृंगार कर दिया। राधा जी की गोद में आती, कृष्ण भगवान 2.5 साल के गोद में लेकर के आए थे, तो उनकी राधा जी की गोद में जाते ही कृष्ण भगवान उनके बराबर के हो गए और लेकर के एक दिशा में अंतर्धाम हो गई। किसी को नहीं पता क्या हुआ, राधा और कृष्ण एक दूसरे का खेल के लिए में श्रृंगार किया। इसी श्रृंगार स्वरूप के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी को पता था कि यहाँ पे ठाकुर ठाकुरानी का मिलन होगा, उसी को लेकर के वहाँ पे वो पुष्कर में 68,000 साल तपस्या की कि राधा रानी और ठाकुर ठाकुरानी का मिलन होगा, उन दोनों का मैं विवाह कराऊंगा। तो यहाँ पे जब राधा ने कृष्ण का, कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे आग्रह किया है दोनों के विवाह का, उनसे अनुमति लिए विवाह की। तब राधा कृष्ण का यहाँ भांडी वन में विवाह हुआ। अब विवाह हो गया, उन ब्रह्मा जी ने तो पंडित जीते थे, उन्होंने तो विवाह कर दिया, लेकिन असली विवाह तो तब होता है जब कन्या का दान होता है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्या दान किया। तो ये थी दोस्तों यहाँ की कहानी, और आपने देखा होगा अक्सर टेलीविज़न पर भी देखा होगा, पुस्तकों में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी, हर जगह आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अपरंपार हैं, जितनी कही जाएं, जितनी सुनी जाएं वो सब कम हैं।
तो यहाँ के बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बताई और दिखाई। पंडित जी की मदद से आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट और सटीक पता चली। तो आप जब कभी मथुरा या वृंदावन में आइए तो आप कोशिश करिए कि वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य है, एकदम मन को मोह लेने वाला। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी, आपके घर में भी जो तस्वीर होगी वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी दिखाई देगी, लेकिन एकमात्र मंदिर ऐसा ही है। पंडित जी सही कह रहे हैं, मात्र अलौकिक दर्शन है यहाँ पर राधा कृष्ण के, जो राधा जी की मांग में चुटकी से सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ बंसी नहीं है, किसी भी जगह पर कृष्ण भगवान के हाथों में आप बंसी नहीं देखेंगे। कहीं पर वरमाला है तो कहीं पर मोर के पंख से सिंदूर डाल रहे हैं, तो कहीं पर वो जो चुन्नी बोलते हैं उसको जो ओढ़ते हैं, तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो आप जरूर आइए यहाँ पर। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।